गाइज, मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको एक ऐसा टूल दे दिया जाए जिसकी मदद से आप किसी भी तरह की आपको होमवर्क पूरा करना हो, आपका स्क्रिप्ट लिखना हो, यहाँ तक आपको मेल डालना हो, आपको कोई रेसिपी बनानी है, यहाँ तक अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे प्रपोज करना है, यहाँ तक कि मतलब आप इस सेटिंग को भी सेटिंग सेट कराने में अगर आपको टूल चाहिए होगा तो अब आ चुका है आपकी सेटिंग को भी सेट कराने का टूल। तो गाइस जी हाँ, मैं बात करने कर रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी के मेरे ख्याल से अभी तक आपके कानों में इसकी भनक तो पड़ी गई हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रांतिकारी टूल है, गजब का ये टूल है। तो गाइस इस टूल को कैसे यूज करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं, क्योंकि ये नवंबर 2022 में लॉन्च हो चुका है और इसके लॉन्च होते ही लगभग 5 दिन हुए थे कि इसमें 10 लाख से ज्यादा साइन अप हो चुका है। मतलब इतना ज्यादा ये फेमस था, इतना ज्यादा ये क्रांतिकारी था और इतना ज्यादा यूजफुल था। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने वर्क में। गाइस यहाँ पे हम लोग क्रोम पे अपने आ चुके हैं। यहाँ पे लिखना आपको चैट जीपीटी, चैट जीपीटी लिख के सर्च करना। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करते हैं और साइन अप पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे एक मेल डालना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कोई टेम्पररी मेल यूज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक मेल यूज करता हूँ, टेम्प मेल यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ, कोई टेम्पररी मेल। हम लोग यहाँ पे हमें यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देना, मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, यहाँ पे एक वेरिफिकेशन लिंक आ चुका है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करता हूँ और ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद ये पूछेगा मेरा नाम, मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ राज, यहाँ पे डाल देता हूँ कमल, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना फोन नंबर डाल देता हूँ फिलहाल, मैं यहाँ पे अब यहाँ पे एक कोड भेजेगा, मुझे अपना कोड यहाँ पे डाल देना है। सो फाइनली ये लॉगिन हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। देखो अभी आपका इस यहाँ पे मैं फटाफट दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे दिया कि क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्या क्या इसका एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे जैसे दिया एक्सप्लेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, सिंपल आइटर टर्म्स, ठीक है। इसके बाद कैपेबिलिटीज क्या क्या यहाँ पे कैपेबिलिटी इसने दे रखा है कि हाँ यूजर अगर किसी भी तरह का कन्वर्सेशन आसानी से कर सकता हो। इसके कुछ लिमिटेशन भी है जो कि यहाँ पे आप लिमिटेड है, मतलब ये इसके इंफॉर्मेशन जो है हो सकता है कि कुछ इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दे, या तो हो सकता है कि ये कुछ हार्मफुल आपको कंटेंट दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ये अभी सीख रहा है और चूंकि अभी ये एक एआई है जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बट अभी भी इसको नेक्स्ट लेवल तक ले आने की जरूरत है, इसलिए हो सकता है इसमें कुछ चीजें हार्मफुल या तो इनकरेक्ट हो सकती हैं। चलो तो मैं फटाफट यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं अपनी भाषा में सर्च करता हूँ, मुझे अपने YouTube के लिए एक डिस्क्रिप्शन लिखना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, मैं इसको हेलो लिखता हूँ, देखते हैं कि क्या रिप्लाई देता है ये। वही यहाँ पे सीधे इसने लिखा हेलो, हाउ मे आई असिस्ट यू, यहाँ पे इसने डायरेक्टली लिख दिया। तो यार गाइस सबसे आसान है यहाँ पे, बस सिंपली अब हमें नया चैट लेना है, तो हर बार यहाँ पे एक चैट में डिलीट करके एक हर बार मैं एक नया चैट यहाँ पे लेता हूँ, मैं हमेशा उसको नहीं सिखाता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया चैट लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हाउ टू मेक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ टू मेक अ वेबसाइट, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू मेक अ वेबसाइट। अब देखो यहाँ पे वेबसाइट को बनाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दे दिया आप कैसे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। देखो बहुत ही आसान है यहाँ पे, देखो फिलहाल मैं लिखता हूँ हाउ टू प्रपोज माई गर्लफ्रेंड, यहाँ पे मैंने प्रपोज की स्पेलिंग गलत लिखती है, बट मैं देखता हूँ कि ये क्या आंसर देता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और ये देखो। अब मैं यहाँ पे सीधे अपनी भाषा में लिखता हूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ मुझे एक ईमेल भेजना है, मैंने यहाँ पे लिखा मुझे एक ईमेल भेजना, तो उसने बताया कि नहीं आप एक ईमेल आईडी नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे हिंदी में बताओ, मुझे हिंदी में बताओ,
अब वैसे इसी चीज को देखना हिंदी मत आएगा। ये देखो मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम हूं, मेरे पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, आपने देखा। तो गाइस सिंपली इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूं, जैसे मैं एक रेसिपी, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक रेसिपी बनाना, मैं यहाँ पे नया चैट लेता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉफी की स्पेलिंग फिर गलत लिखा है, मैं देखता हूँ कि ये कैसे बनाता है। कॉफी बनाने के लिए आपको बिल्कुल, इसने कॉफी बनाने की पूरी रेसिपी यहाँ आपको आपको आप ही की भाषा में ये बता रहा है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी जाना, गाइस ये बहुत सारे विदेश के कुछ बाहर के बहुत सारे ऐसे स्कूल है जहां पे कि इसको बैन कर दिया गया। इसके अलावा गाइस कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गूगल को कम्पीट करेगा, तो उसका रीजन क्या है कि देखो डायरेक्टली तो ये गूगल को कम्पीट नहीं करेगा, क्योंकि गूगल के पास आज भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे एआई के पास नहीं मिला, जैसे बहुत सारी इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, और यहाँ तक कि अभी भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे इनकरेक्ट देती हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पे अभी नहीं अवेलेबल है। तो दैट्स वाई अभी गूगल इतना जल्दी प्रॉब्लम में नहीं आने वाला है, इतना जल्दी उसका कुछ भी खत्म नहीं होने वाला है। बट हाँ ये चीज ये होगा कि हाँ अगर गूगल ने समय रहते कोई नई एआई नहीं लाता या तो गूगल कोई अपडेट नहीं लाता है, तो हाँ मे भी हो सकता है कि गूगल को एक क्लिक कर दे, क्योंकि जैसे ये चैट जीपीटी 3 के बाद जैसे ये 5 में कन्वर्ट होता है तो ओके। इसके अलावा गाइस आप इसमें कंटेंट राइटिंग, गजब का कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, इसमें कंटेंट राइटिंग लिख सकते हो। ये सारे के जितने भी इसमें वर्ड दिए हैं सारे के सारे, एक भी कोई भी कॉपी नहीं है कहीं से, सब कुछ ये अपने से जनरेट करता है। ये लगभग 100-150 वेबसाइटों से डेटा निकालता है, फिर इसको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके फिर आपको ये आपके सामने लाता है। तो दैट्स वाई बहुत सारे कंटेंट राइटर, ईमेल लिखने वाले जो मेल लिखते हैं, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग करने वाले, उन सब के लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित है ये टूल। तो गाइज मैं राजकुमार अब लेता हूं आपसे विदा, और आपसे आता हूं, मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ। चलिए।